भाई बिग बॉस सीजन 18 के घर पे जो चाहत वर्सेस विवियन चल रहा है ना, लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है। जहाँ पे चाहत अपना ज्यादा आवाज नहीं उठा रही है, इस वजह से कि भाई जो हमारी भोली भाली संस्कारी बच्ची की जो इमेज है वो खराब ना हो जाए, वही विवियन भाई इतने परेशान हो गए हैं, चाहत से एकदम इरिटेट हो गए कि वो उन्हें बुली करने लग गए हैं और उसकी वजह से वो खुद बुरे दिख रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। अब ये दोनों की लड़ाई शुरू कहाँ से होती है? वो कुछ ऐसा है कि चाहत सबसे पहले बिग बॉस घर में जाती है ग्रैंड प्रीमियर की रात में। उन्होंने एक बेड को चूज किया, लेकिन बाद में उनको लगा दूसरा बेड ज्यादा इंटरेस्टिंग है तो वहां चली गई। फिर वहां से वो वापस कहीं पर आ गई। ऐसे करते करते चाहते अपनी पसंद के हिसाब से कई बार बेड को चेंज किया और उस वजह से विवियन को बेड नहीं मिल पाया। अब इस वजह से विवियन चिढ़ गए हैं कि हमें सोफे पे सोना पड़ रहा है, इतना पैसा दिया हमको, हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट है हम इस सीजन के, और तुम हमको सोफे पे सुला रहे। तो वो वहां से शुरू हो गया चाहत से उनका एकदम राइवरी, मेरे को नहीं करनी चाहत से बात। फिर आई फर्स्ट नॉमिनेशन की बार, वहां पर विविन ने जो डायलॉग मारा है चाहत को नॉमिनेट करने के लिए कि भाई चाहत को देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने एक्शन बोल दिया लेकिन कट बोलना भूल गए, ऐसा लगता है चाहत की एक्टिंग बिग बॉस के घर में देखकर। तो भाई यहां से शुरू हुआ इन दोनों की लड़ाइयों का सिलसिला और अभी ऐसी हालत हो गई है कि विविन कह रहे चाहे जो हो जाए मैं चाहत को चैन की सांस नहीं लेने दूंगा। तो एक ही दिन में उन्होंने इतनी बार चाहत को इरिटेट किया। सबसे पहले उन्होंने उनके सामान को लेकर लड़ाई करी कि मेरे पास बेड नहीं है, मेरे पास स्टोरेज नहीं है, तो अगर मैं अपने सामान को यहाँ वहाँ रखता हूँ तो जस्टिफाई है, लेकिन चाहत के पास अपना स्टोरेज है तो क्यों उसका सामान, उसके टेडी बियर, उसके ये सब यहाँ वहाँ पड़े हैं। और इवन उन्हें चाहत के डॉल को लेकर भी बोला कि कितनी स्केरी है, कितनी डरावनी है। तो ये सब बातें उन्होंने उनके सामने बोली और एक बार भी चाहत से सीधे मुँह बात नहीं करी, उनकी आंखों में देखा ही नहीं, वो इनडायरेक्टली उनसे बात कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली आप समझो यार, अगर कोई आपके साथ स्कूल कॉलेज में ऐसा करता होगा या ऑफिस में भी ऐसा करेगा तो कितना बुरा लगेगा, चाहे आप कितने नहीं भी बुरे इंसान हो, कोई आपको ऐसे इग्नोर करेगा, आपको एकदम ऐसे तुच्छ नज़र से देखेगा या देखेगा ही नहीं तो और बुरा लगता है। तो यहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद हमारे विवियन सबसे पूछ रहे थे किसको घी चाहिए, घी चाहिए, घी चाहिए, बताइए। तो फिर अब इसमें चाहत ने बोल दिया आपने मेरे में डाल दिया। अब विवियन को गुस्सा आ गया कि भाई तेरे में डाल दिया मतलब क्या, तेरा नौकर लगा हूँ मैं कि तू मुझसे ये बोल रही है? अगर तुझे घी चाहिए तो मुझे प्लीज़ करके बात कर कि विवियन जी प्लीज़ मेरे दाल चावल में थोड़ा सा घी डाल दीजिए। तो विवियन एक्सपेक्ट कर रहे थे ये वाली इमेज या फिर ये वाला एक्सेंट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर चाहत ने ऐसा कर भी दिया होता ना तो भी विवियन जिन्होंने जो अभी किया ना वो वही कर रहे होते, वो कुछ और ढूंढ लेते। पर हाँ, चाहत ने बोला मैं तुम्हें प्लीज़ क्यों बोलूँ, मैंने तुमसे कोई डिसरिस्पेक्ट करी, मैंने तुमसे कोई बदतमीज़ से बात करी, मैंने बस तुम्हें बोला कि मेरे में डाल दो बिकॉज आपने मुझसे पूछा, आपने सबसे पूछा किसी को चाहिए तो मैंने बोल दिया मेरे को चाहिए, इसमें क्या गलत हो गया। उसके बाद में पता नहीं विवियन के अंदर कौन सी आत्मा आ गई, कौन सा एकदम वो स्कूल कॉलेज का एकदम खड़ूस बुली जो हर किसी बच्चे को बुली करता है, जो खुद कुछ नहीं होता है पर उसको बुली करने में ना एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। उन्हें लगता है कि भाई अगर हम ऐसा करेंगे तो हम बड़े दिखेंगे, खुद रिस्पेक्ट कमानी नहीं होती है बट ऐसा करके वो सोचते हैं कि ऐसे लोग उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो मुझे ऐसा लगा मेरे को अपने कॉलेज के टाइम की और स्कूल के टाइम के भी ऐसे कुछ इंसानों की याद आ गई जिन्होंने ऐसी हरकतें करी हैं। और चाहत भले ही बुरी है लेकिन विवियन की हरकत की वजह से वो बुरी नहीं लग रही है, वो बुरी है बट उतनी बुरी नहीं लग रही है। तो विवियन ने बोला कि भाई बाथरूम में, अब बाहर के बाथरूम या अब जो रियल बाथरूम में जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है आपके नहाने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए, वो बिग बॉस ने बंद कर दिए फॉर एक्स वाई जेड रीज़न। तो भाई उनके पास एक ही बाथरूम था और विवियन को लगा ये तो बेस्ट मौका है चाहत को चढ़ाने का, इरिटेट करने का। तो विवियन ने अपना सामान उठाया, टॉवल, शैम्पू, सोप, जो भी उनके पास लाइक लग्जरी सामान था वो सब उठाया और अपने बॉक्स को उछा कर वो ले गए बाथरूम में और उन्होंने रख दिया और बोला कि अब ये बाथरूम मेरा है, अब मैं सबके सामने अनाउंस कर रहा हूँ कि इस बाथरूम में सिर्फ मैं नहाऊंगा, अगर किसी को नहाना है तो मुझसे पूछेगा। ये क्या था ब्रो, तो ना ही तो कैप्टन है, ना ही तुझे कोई अथॉरिटी दी गई है, तो क्यों ऐसा कर रहा है ब्रो, काई को वाई। और उसके बाद में भाई आप किसी के वॉशरूम जाने को, नहाने को रोक रहे हो, अब यहाँ पे बुरे बन गए। चाहत बेचारी बार बार बोल रही है कि मुझे नहाना है, वो भी कब बोल रही है, जब आप पूछ रहे हो कि भाई किसी को नहाना है क्या, बाथरूम रेडी है, किसी को जाना है तो बता दो बाथरूम खाली है। और वो चाहत जब बोल रही कि हाँ मुझे जाना है तो आप कह रहे हो कि
ठीक है आपने बोल दिया, लेकिन आपका सुनना मेरे लिए कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, मेरे को नहीं सुनना तुम्हारी बात। अरे ये तो यार छुआछूत वाली हरकत होगी तुम्हारी, क्या बकवास है। और उसके बाद में फिर रजत को जब उन्होंने बाथरूम दिया और रजत ने एक नेचर कॉल के लिए चाहत को जाने दिया, और चाहत ने भी थोड़ी सी चालाकी करी है वहाँ पे, देखो साफ साफ लगा है कि उन्होंने तब तक वो बाहर नहीं आई जब तक विवियन ना आ जाए और इस बात का कलेश ना हो जाए। तो वो भी अंदर बैठी रही, जैसे विवियन की एंट्री होती है वो बाहर आती है, और उनके एक्सप्रेशन सही में बहुत ही अलग थे। उनको लगा मिशन अकम्प्लिश, तूने मुझे रोका, देख मैं बाथरूम से आ गई। तो दोनों साइड से चल रहा है, बट ये है कि चाहत थोड़ा अलग तरीके से इस बात को से लड़ रही है, और विवियन एकदम मुँहफट होके लड़ रहा है, लेकिन मुँहफट होके लड़ना उनके लिए गलत हो रहा है। और इसी वजह से, चाहत की वजह से, रजत और विवियन के बीच में लड़ाई हो गई कि भाई तूने, विवियन कहते रजत तूने क्यों जाने दिया, वो मेरा बाथरूम है, फर्स्ट मैं गया हूँ, तो बाकी अब जो भी जाएगा सब मुझसे पूछेगा। अरे ये क्या लॉजिक है यार, ये इस सीज़न में तुम्हें लगता नहीं है? देखो मैं लड़की हूं तो मेरा कोई लड़कियों का लेके सॉफ्ट कॉर्नर ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिग बॉस देखती हूं, मेरे लिए सब इक्वल होते हैं, बट इस बार सही में लड़के बहुत डम दिख रहे हैं। डम इन द सेंस कि उनकी बातों में पैर पूछ नहीं है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूं, मैंने ऑलरेडी मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूं मैं किस किस की बात कर रही हूं, बट हां मुझे विवियन से एक्सपेक्टेशन नहीं थी, पर अभी जो उन्होंने किया फ्रस्ट्रेशन में, आउट ऑफ इरिटेशन, जो भी उन्होंने चाहत के साथ किया, मुझे लग रहा है उनकी बातों में भी सेंस नहीं बनता है। बट जो एक और इंसान की बातों में सेंस नहीं लगता है वो है रजत दलाल जी। तो जी अड़ लिए विवियन से कि ऐसे कैसे ऐसे आप किसी के नेचर कॉल को रोक सकते हैं। तो इस बात पर बिग बॉस ने इनडायरेक्टली उनको हिंट दिया कि भाई तू एकदम सही कर रहा है, स्टैंड ले, बिकॉज बाकी जो घर वाले हैं वो तो इसके लिए स्टैंड लेंगे नहीं, बिकॉज सब लोग विवियन से डरते हैं। भाई ये बात तो फैक्ट है, ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक था, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक कि आप किसी को बाथरूम जाने से, बाथरूम यूज़ करने से रोक रहे हो, वो भी इस लॉजिक के साथ कि मैंने अपना सामान रख दिया है। भाई ये बहुत ही पॉइंटलेस टॉपिक था, सेंसलेस टॉपिक था, लेकिन किसी ने भी इस बात पर आवाज़ नहीं उठाई, वरना क्या इंटरेस्टिंग डिबेट हो सकता था। लेकिन भाई ठीक है, पर रजत ने कोशिश करी, उतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी, उन्होंने कोई सेंस अच्छे स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं रखे, बट उन्होंने लड़ा, अच्छा किया। बट मुझे एक और बात विवियन की इसके बाद गलत लगी, वो ये थी कि विवियन बोलते हैं कि अगर मुझे चाहत ने ये बोला होता कि मुझे नेचर कॉल है तो मैं एक सेकेंड में हट जाता कि जा, अभी जा बहन, मैं पागल हूँ किसी के नेचर कॉल को कंट्रोल करूँगा? भाई विवियन ये सब बोल के अभी घर वालों के सामने हॉल में आप चाहत को नीचा और खुद को बड़ा दिखा रहे हो, लेकिन हमें ऑडियंस को अच्छे से पता है अगर चाहत ने ये भी किया होता तो आप उसको तब भी इग्नोर करते, जैसे आपने उसको घी के टाइम किया, जैसे आपने उसको उसका साबुन उठाने के टाइम किया, जैसा आपने उसको नहाने के टाइम किया। तो भाई विवियन पूरे बड़े वाले बिग बुली बन गए हैं इस सीजन के अभी के, तो आगे जाके फिर से उनका ग्राफ ऊपर नीचे होगा, फिर वो किसके स्वीट होंगे, लेट्स सी। बट आपको विवियन और चाहत में से आपका कौन है फेवरेट? क्या आप दोनों को बहुत पसंद कर रहे हैं इस लड़ाई को, इस चाहत वर्सेज विवियन को, या फिर आप किसी एक को ही फेवर कर रहे हैं? मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आपकी स्टोरी गर्ल मोनिका, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज मैं आपकी हूँ, आपकी तो इतना सब कर रही हूं, आप ही सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर क्या करना है अब यार, फैमिली ब्रो। चलो गाइस बाय, टाटा, सी यू, बाय।